गोलोक जा रहे हो? हमारा अंतिम संस्कार हो रहा है कि नहीं? तू अपने हाथों से हमारा अंतिम संस्कार कर। समय किसी के लिए न रुका है और न ही रुकेगा, चाहे वो राजा हो या रंग। इस पृथ्वी पर अवतरित हर एक जीवात्मा को परमात्मा में विलीन होना ही है, यही जीवन का परम और अंतिम सत्य है। इसी परम सत्य को पाने के लिए आज पांडु पुत्रों और द्रौपदी महाप्रस्थान की ओर प्रयाण कर रहे हैं। चला पांडव का परिवार सब त्याग के सुख संसार, द्रौपदी पांचों बल का संग स्वान हुआ तैयार। चलते कभी राहों में जब काल चक्र ने घेर लिया, द्रौपदी ने तन को त्याग दिया, कुल देवी के ही द्वार सब त्याग दिया संसार। पांचाली क्या हो गया ज्येष्ठ? पांचाली सदैव के लिए हमें छोड़कर चली गई। जब भक्तों लक्ष्मी वन आया आगे न कुल ना चल पाया, कर ली मृत्यु स्वीकार सब त्याग दिया संसार। धारा सहदेव भी काल से अब हारा, गए वो भी स्वर्ग सिधार सब त्याग दिया संसार। सहदेव, सहदेव, सहदेव। तीर्थ चल कर आए न अर्जुन काल से बच पाए, टूटी जीवन पतवार सब त्याग दिया संसार। अर्जुन क्यों
क्योंकि उसे मत था कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। केदारनाथ में वो अपने मत को नहीं त्याग पाया, इसीलिए वो अंत को प्राप्त हुआ। आगे बढ़ो अनुज, यात्रा शेष है। जब सतो पंथ भक्तों आया, यहाँ भीम काल से टकराया, गए प्राण त्याग बल का, सब त्याग गए संसार। मैं समझ गया ज्येष्ठ, मेरा अंत आ गया है, परंतु इससे पूर्व मैं अपने अंत का कारण जानना चाहता हूं। चेष्ट बताइए। क्रोध, तुम्हारा क्रोध भयंकर था विक्रोधक, तुमने क्रोध में उनके भी प्राण लिए जिन्होंने कोई दोष नहीं किया था, और आज तुम्हारे अंत का कारण क्रोध ही है। तुम्हें शांति मिले अनुज। और इस तरह से परलोक की इस यात्रा के अंत में युधिष्ठिर और एक श्वान, जो यात्रा में शुरू से उनके साथ रहा था, वे दोनों स्वर्ग द्वार पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें मिलते हैं राजा धर्मराज। तुम्हारा स्वागत है युधिष्ठिर। प्रणिपात धर्मराज, इस परलोक की यात्रा में तुम काम क्रोध मोह लोभ सबसे विरक्त रहे, इसलिए तुम्हें सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने का वरदान मिलता है। तुम्हारे भाई और पत्नी अपने गुण अवगुण शक्ति का मत नहीं छोड़ पाए, इसलिए वो यहां तक पहुंचने में असक्षम रहे। ये एक सीख है युधिष्ठिर कि अपना परम स्थान पाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। आओ भीतर चले। आओ मित्र, भीतर चले। तुम इस कुकुर को अंदर नहीं ले जा सकते युधिष्ठिर। क्षमा कीजिएगा धर्मराज, परंतु जिन कठिनाइयों से जिस प्रकार मैंने इस यात्रा को पूर्ण किया है, उसी प्रकार इस कुकुर ने भी इस यात्रा को पूर्ण किया है। और हर यात्री को लक्ष्य तक पहुंचने का फल अवश्य मिलना चाहिए। मैं इस कुकुर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो अंत तक साथ दे वही धर्म है, और इस नाते ये कुकुर मेरा धर्म है। मैं युधिष्ठिर अपने धर्म को त्याग कर स्वर्ग की कामना भी नहीं कर सकता धर्मराज। आप आज्ञा दें, मैं लौट जाऊंगा। वास्तव में वह श्वान नहीं था, धर्मराज स्वयं श्वान का रूप लेकर युधिष्ठिर के साथ चल रहे थे। साधुवाद युधिष्ठिर, तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः सफल रहे। जो धर्म का साथ नहीं छोड़ता, धर्म उसे अवश्य परम धाम ले जाता है। चलो मेरे साथ।
स्वर्ग चलें। जैसी आपकी आज्ञा धर्मराज। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि ना समय। सबका साथ है, कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहां उसको खोजना। शुभ ही होता सब उसी की योजना। कामनाए भल की छोड़े वो ही सच्चा कर्म है, ईश्वर चरण में हो समर्पण वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि ना समय। सोलह संस्कार, सोलह उत्सव, गर्भाधान से मृत्यु तक। संस्कारों की इसी परंपरा के कारण भारतीय सभ्यता परिवर्तनों की आंधी में भी जो सत्य है, सुंदर है, शिवम है, उसे बचाए खड़ी है।